हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सपना। वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन किचन। आज हम सीखेंगे ब्रेड पिज़्ज़ा बनाना। ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें चाहिए 300 ग्राम पत्ता गोभी बारीक कटी हुई, 250 ग्राम शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, 200 ग्राम प्याज बारीक और लंबे कटे हुए, आधी चम्मच लाल मिर्च, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 चम्मच नमक या स्वाद अनुसार, थोड़ा सा हरा धनिया, 300 ग्राम मलाई, 70 ग्राम सूजी और ब्रेड स्लाइस। पहले हम एक बाउल ले लेंगे, उसमें मलाई और सूजी डाल लेंगे। और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम इनमें सब्जियां डाल लेंगे। पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, प्याज, इनको मिक्स कर लेंगे पहले। अब डाल देंगे नमक, लाल मिर्च, हरी मिर्च और धनिया, और फिर से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा मिक्सचर तैयार है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए रख देंगे ताकि हमारी सूजी फूलकर तैयार हो जाए। हमारा मिक्सचर तैयार है, अब हम ब्रेड स्लाइस पर मिक्सचर लगा लेंगे। मिक्सचर अच्छी तरह से ब्रेड पर लग चुका है, अब हम ऐसे ही सभी ब्रेड्स पे लगा लेंगे। बच्चे सॉस ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए अगर सॉस लगानी है तो पहले सॉस लगा लेंगे, उसके बाद मिक्सचर लगा लेंगे। अब हम ब्रेड बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए नॉनस्टिक तवा, गैस ऑन कर लेंगे और तवे पे कुकिंग ऑयल लगा देंगे। अब तेल गर्म होने देंगे। गर्म हो चुका है, अब हम इस पे ब्रेड रख देंगे और गैस को मीडियम या सिम रखेंगे। जिस साइड मिक्सचर लगा हुआ है वो साइड तवे पे रखेंगे। और इसे हम पलटे से दबाते रहेंगे ताकि ये अच्छी तरह से सिक जाए, और बीच बीच में देखते रहेंगे ताकि हमारे ब्रेड जल ना जाए। दूसरी साइड भी कुकिंग ऑयल लगा देंगे और अब इनको पलट देंगे। हमारे ब्रेड बन चुके हैं, अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। ऐसे हम सभी ब्रेड बना लेंगे। ब्रेड पिज़्ज़ा बनकर तैयार है। आप इसे सॉस के साथ खा सकते हैं और सर्व कर सकते हैं। आप इसे सुबह नाश्ते में, बच्चों के टिफिन में डाल सकते हैं। बच्चे इसे बहुत खुश होकर खाते हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरा चैनल ऑनलाइन किचन सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।